What do you think, Azim? 1 लाख. A good round. 25,000 जीत सकते थे इस राउंड में. क्या कह सकते हैं? Azim is saying that this was a good round. If 7,500 is good, then great job. 7,500 रुपए. I think I made a mistake. पास कर दिया था दादा मैंने. आपने पास किया था, आपको लगता है वो गलती थी. 1,17,500 टोटल बैंक अमाउंट है आपकी. थोड़ा प्रेशर में आ गए. प्रेशर में आ गए. इस दफा आपने सिर्फ 7,500 जीते प्रेशर में आके. वो पता नहीं कौन सा राउंड था जिसमें आपने इतने सारे 75,000 जीत लिए थे. यानी कोई तो गलत गया है यहाँ से. बिस्मा टीम नहीं बन पा रही. कुछ भी है लेकिन ये टीम नहीं बन पा रही. 1,17,000 रुपए आपके बैंक में है. 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम होगा इस दफा आपके पास. 10 में से सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं. इस दफा फिर कोई एक अनाड़ी बाहर जाएगा और हमारे पास राउंड 9 के लिए 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स खड़े होंगे. वो कौन होंगे वो तो आपकी परफॉर्मेंस ही बताएगी. इस दफा का प्राइस है 15 लाख रुपए. जोहा गाड़ी लेना चाहती हैं. इससे बेहतरीन मौका क्या होगा? सोचें अगर आप 1 मिनट 50 सेकंड में आप सब मिला कुल मिला के 8 सही जवाब दे दें चेन बगैर तोड़े हुए और उसको फिर बैंक कर ले तो 15 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे. और पहले ही आपके पास 1,15,000 रुपए है. और फिर 9th राउंड में इसी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. बहुत अच्छी गाड़ी आएगी. लेकिन ये तब होगा जब आप वहाँ तक पहुँचेंगी. Are you ready? 1 मिनट 50 सेकंड. असद, we're going to start with you. आपका वक्त शुरू होता है अब. ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? 5. करेक्ट. अजीम, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक गेम्स को मैनेज करती है? ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. जोहा बैंक. स्ट्रिप बोर्ड किसे कहते हैं? पास. वो बोर्ड जो शूटिंग डेज और लोकेशन ऑर्गेनाइज करते हैं उसे कहते हैं. असद, हमारी बॉडी में आयरन कहाँ होता है? ब्लड में. सही. अजीम, फीफा वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद. सही. जोहा, चाइना का नेशनल स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल. टेबल टेनिस. असद, वो क्या चीज है जिसके पास थंब भी है और 4 फिंगर्स भी लेकिन वो जिंदा नहीं है? लाश. ग्लव. अजीम, वो क्या चीज है जिसमें हेड भी है और टेल भी है लेकिन बॉडी नहीं है? टॉस. कॉइन. करेक्ट. जोहा, हाउ मच इज 90 माइनस 19? 88. 71. असद, एक लंबी रस्सी है जिसको कट करके 23 स्मॉल पीसेस बनाए गए हैं. अगर उसे डबल फोल्ड करके कट करें तो कितने टाइम्स कट करना होगा? 11 दफा. अजीम, आपके सामने पिक्चर आ रही है. ये पिक्चर किस हिस्टोरिकल मोमेंट की है? पार्टीशन. World War I. जोहा बैंक. किमची जो कोरियन मील है, ये किस तरह का फूड है? पिकल. असद, दुनिया की सबसे ज्यादा पीने वाली ड्रिंक कौन सी है? चाय. करेक्ट. और यहाँ आपका 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त खत्म होता है. आखिरी खिलाड़ी कौन है? किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? क्या हुआ इस राउंड में, ये मुझे बताएं. जोहा, नहीं पता. बैंक, नहीं पता. बैंक इस दफा नहीं पता. नहीं पता क्यों हुआ? सवाल सुनने में थोड़ा हो गया था, कंफ्यूजन हो गई थी. ये गाड़ी की वजह से प्रेशर और टेंशन दोनों हो गया. सवाल के बाद भी बैंक बैंक हो रहा है. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. वो कौन होगा जिसको हम लोग पीछे छोड़कर जाएंगे? वो आपने और आपने डिसाइड करना है. और डिसीजन का वक्त अब शुरू होता है. प्लीज वोट कीजिए. कंटेस्टेंट थोड़े कंफ्यूज नजर आए. मुकाबला कांटेदार रहा. अब देखना यह है कौन जाता है इस राउंड से बाहर. और कौन होता है हमारा आखिरी खिलाड़ी? अजीम इज प्रिटी श्योर, असद भी। जोहा वक्त लगा रही है। जोहा किसको वोट दिया है? असद। क्यों? एक क्वेश्चन में इन्होंने मिस्टेक की थी। एक क्वेश्चन में इन्होंने मिस्टेक की थी और आपने जो इतना वक्त लगाया, जवाब देने में वक्त ज़ाया किया। अगर आप इतना वक्त ना लगाती तो शायद 3-4 और सवाल हो सकते थे। और अगर आपको कोई बचा रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो आखिर तक एक इजी कंटेस्टेंट के साथ राउंड 9 खेल सके। किसको वोट दिया? असद। असद को वोट दिया है? आर यू सीरियस? आपने खुद कहा। Yes, he is a brilliant. आपने खुद कहा कि असद प्लेड सो वेल, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट प्लेड असद। तो फिर असद का नाम क्यों लिखा? आई थिंक असद इज माई कॉम्पिटिटर राइट नाउ, तो आई एम थिंकिंग दैट वे। आई एम प्रीटी क्लियर राइट नाउ। आई डोंट वांट टू बी फेक एंड ये मेरा मतलब एक गेम का रूल है। इट्स माई ओपिनियन आई थिंक। बिल्कुल, गेम ही तो ये है के स्ट्रॉन्गेस्ट को भी निकाला जा सकता है। अजीम इज़ वेरी स्मार्ट असद। अजीम ने आपकी तारीफ भी की और वोट किया आपके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। फाइनल राउंड में यानी 9th राउंड में आप उनको टफ टाइम दे सकते हैं, तो इनके लिए बेहतर ये था कि इस राउंड में आपको आउट कर दें ताकि सुकून से जोहा के साथ कम्पीट कर पाएँ। एंड आई एम नॉट अंडरमाइनिंग जोहा एट ऑल। जोहा कैन मेक अ कम बैक एट एनी टाइम। कह रहे हैं जोहा भी कम बैक कभी भी कर सकती है, लेकिन इस वक्त जोहा और अजीम दोनों ने आपको वोट आउट कर दिया। एज मच एज आई वॉन्टेड यू टू स्टे, वी हैव टू लिसन टू वॉट द मेजॉरिटी सेज। थैंक यू सो मच असद। आप एलिमिनेट हो चुके हैं आखिरी खिलाड़ी कौन से। जैसा कि आपने देखा होगा, गेम में मैं आंसर दे रहा था और एंड तक मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो अजीम थे वो ज़्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने पहले से सोच लिया था कि अगर मैं उनके साथ फाइनल में खेलूँगा तो मैं उनको टफ टाइम दे सकता हूँ, तो इसीलिए इन्होंने मुझे एलिमिनेट करवाने की कोशिश वोट दिया। 1 मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।